जी कुक है, अच्छा डाइट प्लानर भी है, अच्छा योगा भी सिखा देंगी जो हमारी डाइट प्लान कर सके। तो वो खुद एक सुंदर मॉडल जैसी लड़की है, होटल में काम कर चुकी है। आई असलियत सामने। अरे यार कमर मटका मैं बता के चलेगी तो तुम खुद भी सोचोगी ना, मेरा पति उस पतली कमर वाली लड़की को देख रहा है तो क्यों ना मैं भी पतली हूं। मतलब तुम उसको देखोगे? जैसे तेरा खून जल के तू पतली हो जाएगी तो वैसे उसको देख देख के मेरा भी तो पसीना छूटेगा तो मैं भी तो पतला हो जाऊंगा ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं करने वाला हूँ एक खतरनाक वाला प्रैंक। कंसल्टेंसी से मैंने बात की है जो कि एक 36 26 36 वाली कुक मैं हायर करने वाला हूँ कंसल्टेंसी से, जो कि प्लस एक हॉट सी कुक होगी, प्लस हमारी डाइट प्लानर होगी, और वो हमें फिट करने के लिए योगा बताएगी, एक्सरसाइज भी करवाएगी। तो देखते हैं आपकी भाभी के क्या रिएक्शन होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में, वेट करते हैं आपकी भाभी के आने का। 15 मिनट्स लेटर। हेलो, अरे हाँ, मैंने आपकी आपकी कंसल्टेंसी का नंबर लिया है। हाँ, मेरे एक फ्रेंड के लिए लिया है। एक्चुअली ना आपकी कंसल्टेंसी से मेरे फ्रेंड के यहाँ पर एक कुक हायर हुई है। हाँ जी, मुझे वैसे ही एक कुक चाहिए, हाँ, जो खुद भी फिट हो, वो खाना भी इस तरीके का बनाती हो, मतलब डाइट प्लान रखती हो कि वो, हाँ, जो अपने आप को फिट रखेगी तो वो हमारे लिए भी तो खाना ऐसे बनाएगी ना कि हम भी फिट रहें। एक्चुअली ना थोड़ा हस्बैंड वाइफ हम दोनों थोड़े फैटी हैं, थोड़ा बच्चा भी फैटी है, तो मैं ये चाह रहा था कि कुक हो साथ के साथ वो डाइट प्लानर भी हो। अच्छा, से बात कर रहे हो? देख लीजिए देख लीजिए, मैं वेट कर लूँगा। हाँ जी मैं होल्ड पे हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी कुक है, अच्छा डाइट प्लानर भी है, अच्छा योगा भी सिखा देंगी। नहीं, फिटनेस ट्रेनर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ ना, वेट करो, मैं कर रहा हूँ। हाँ सर आप बताइए, आप मेरे को आप चार्जेस बता दीजिए, और आपने क्या क्या बताया? कुक बताया और योगा भी वगैरह करा देगी, डाइट प्लानर भी है। अच्छा पहले, अच्छा होटल में जॉब करती थी वो ऑल ओवर सब मतलब देखती थी, कुक भी थी डाइट प्लानर भी थी। अच्छा ठीक है, मेरे को कितना चार्ज बताया आपने? 25,000। अच्छा खाना सिर्फ एक टाइम बनाएंगी और सुबह डाइट फूड पर रखेंगी हमें, सुबह योगा क्लासेस और शाम को कार्डियो। ठीक है ओके डन है। पर सर बात ये है ना कि खाने के लिए तब भी मुझे ये चाहिए कि तब भी दिन में एक बार, तब भी जैसे अगर स्नैक्स वगैरह टाइप के भले ही डाइट प्लान में ही बना दे, पर तब भी मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो कभी जब घर पर रह जाऊँ या दोपहर में बच्चे के लिए। हाँ सर चार्जेस बढ़े हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप मेरा फ़ोन नंबर उनको फॉरवर्ड कर दीजिए और मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ एड्रेस वगैरह उनको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू। पूछ लेते साबूदाने के पकोड़े आते हैं बनाने उसे। क्या बात है पागल कहीं के, क्या ये किससे बात कर रहे थे? यार, सर्दियों पे ना तुम पे काम फाम होता नहीं है, इतना आलसी बना दिखाती हो ना सुबह उठने में, रात को उठने में, तुम पे तुमसे कभी कभी आलू के पराठे बना दे, नहीं बनाने। ठीक है, तुमसे कभी कभी कचौड़ी बना दे, नहीं बनाने। साबूदाने पकौड़ी बात कर रही हूँ, साबूदाने पकौड़े महीने में सिर्फ एक बार रनिंग है, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। अब बताओ जरा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी खाऊं ऑयली रोज रोज है? आलू के पराठे बनाओ, उसको इतना सारा मक्खन रख रख के खाओगे, मोटे नहीं होगे तो क्या होगे? फिर उसके बाद चाहिए इनको योगा क्लास करनी है, डाइट प्लानर चाहिए। गजब बेइज्जती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मतलब अभी एक चीज बताओ, हम दोनों मोटे हैं तो पहली बात तो हमें क्या चाहिए? डाइट फूड जो हमारी डाइट प्लान कर सके। तो वो खुद एक सुंदर मॉडल जैसी लड़की है, होटल में काम कर चुकी है। सामने अरे यार चुप चुप, पहले मुझे मालूम है तू ऐसी ही सोचेगी। सिंदर है, मॉडल देखो अब मैं, तुम गंदा ही सोचोगी मेरे बारे में, पर मैं तुम्हें एक बढ़िया, बहुत बढ़िया वो दे रहा हूँ
जब तुम्हारे पति के सामने कोई पतली सी लड़की ऐसे कमर मटका मटका के चलेगी तो तुम खुद भी सोचोगी ना, मेरा पति उस पतली कमर वाली लड़की को देख रहा है तो क्यों ना मैं भी पतली हूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मतलब तुम उसको देखोगे? अपने इरादे पहले से ही बता दो, मुझे पता है तुम्हारी नीयत गंदी है। सही पकड़े हैं। मेरा सर, हाँ तू सही कह रही है, मैं जानबूझ के देखूंगा उसे। और पता है क्यों देखूंगा? तो ये चढ़ाने के लिए, जिससे कि तेरा भी मन करे कि मैं एक्सरसाइज करूं और उस मॉडल जैसी पतली हो जाऊं तो नवीन उसको छोड़ के मुझे देखे। मैं ये चाहता हूँ। मेरी बात सुन, मेरे दोस्त ने भी ऐसे ही वो कुक हायर की थी, उसकी बीवी पतली हो गई, वो उसको देखता रहता था 15 दिन में। उसकी वाइफ ने सिर्फ 7 किलो वजन कम कर लिया था, सिर्फ वजन सात ना, उसका खून जल जल के हो गया होगा उसका वजन कम। जब उसका पति दूसरी औरत को देखेगा तो उसका खून नहीं जलेगा, दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, तो ऑलरेडी वैसे भी वजन कम हो जाएगा। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, डाइट प्लान में भी है वो। डाइट प्लानर मतलब? यार मतलब सब पता है कि ना पता? पता है मुझे, डाइट वाला खाना नहीं खाना, मुझे नहीं करनी डाइट, ठीक है? मैं जैसी हूँ सही हूँ, मुझे, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? और भटूरे जैसी फैल जा और फैल जा, नौकर कर भटूरे जैसी फैल जा। हाँ ठीक है, मैं भटूरा बन जाऊंगी और ठीक है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है मेरा आधा किलो वजन कम हो जाता ना तो सबको कितनी टेंशन हो जाती है, रंजना क्या हो गया, इतनी पतली कैसे हो गई? तो इसीलिए मुझे मेरा वजन कम नहीं करना, ठीक है ना? वो लड़की मेरे घर में नहीं आएगी, मुझे पता है तुम उसकी पतली कमर देखते रहोगे 24 घंटे। यार एक चीज बता, वो आएगी और ऐसे करके एक एक्सरसाइज बताएगी, मैं उसके साथ ऐसे एक्सरसाइज करूंगा, इधर वो खड़ी होगी इधर मैं खड़ा होऊंगा, ठीक है? एक्सरसाइज करेगी तो मैं उसे कहां से देखूंगा? मुझे सब पता है तुम कैसे देखोगे, कहां से देखोगे, ठीक है ना? मैं एक चीज बस कह दे रहा हूँ, बस मेरा दोस्त बता रहा था, वो ये कह रहा था कि जब वो उसकी आने की जो स्टाइल है ना, वो जब देती है चाय और कॉफ़ी तो वो स्टाइल से देती है, गरम चाय की प्याली हो सब प्लीज। ये उसी ने दिमाग खराब किया तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस लड़की को ना तुम कोई अपने आप को पतला नहीं करना चाह रहे, वो तुम बस वो तुम्हारी गंदी सोच है इसलिए उसको बुला के ला रहे अपने। जैसे तेरा खून जल के कैलोरी 2500 रुपए, जैसे तेरा खून जल के तू पतली हो जाएगी तो वैसे उसको देख देख के मेरा भी तो पसीना छूटेगा, तो मैं भी तो पतला हो जाऊंगा। तुम बड़े हरामी हो बेटा। हाँ तुम कितने गंदे आदमी। वो मेरे घर में नहीं आएगी, ठीक है ना? कोई डाइट का खाना नहीं बनेगा, जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो, मुझे नहीं कराना तुम्हें पतला। सुबह जब तूने मेरे पे प्रैंक किया था तू तब तो नहीं हुए थे, इतने मोटे हो गए हो, इतने तगड़े हो और हाल थक जाते हो, गिर जाते हो। मेरा जो मेरा आज सुबह मैंने तुम्हें इतना खिला पिलाया के बेकार कर दिया, तुम हाल नेक्स्ट थोड़ा सा धक्के से गिर जाते हो, है? धक्के से गिर जाते इसका हो, इसका मतलब इससे क्या है? तब तू यह करी थी बस बस ये बढ़ गया है बस, है? इसका मतलब इस वाले मतलब इसका मतलब इस बात से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आ रही है कुक, और आ रही है तभी से मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मेरे को एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए, पर्सनल कुक चाहिए जो कि डाइट प्लान कर सके, और साथ के साथ वो ऐसी हॉट एंड सेक्सी होनी चाहिए। तुम्हारे हॉट एंड सेक्सी हम बना देंगे, तुम तो अभी हॉट एंड सेक्सी। तू जले और तू भी पतली हो, जिसको देखकर मेरा भी पतला होने का मन करे। वो मेरे घर में नहीं, मैं सोचूं कि मेरे घर में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी, मैं बता दे रही हूँ, जान से मार दूंगी। मैं तो ला के रहूंगा, ठीक है? बस मुझे पता है जब ऐसे 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 चलेगी ना तो उसी को निहारते रहोगे, उसी को देखते रहोगे, बस उसकी कमर को। प्यारी समझ गई। तो इस हॉल को देखूं, इस कमरे को देखूं? हाँ। चलता फिरता कमरा हॉल। तुम्हारे नसीब में अब यही हॉल है, ठीक है ना? इसी में गुजारा करो। दिमाग खराब करके रख दिया। कोई लड़की मेरे घर में नहीं आएगी, कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं आएगी, कोई कुक नहीं आएगी मेरे घर में। अच्छा, कोई डाइट प्लानर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। सुन अब मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, देख है? चल ठीक है, हम उससे योगा नहीं करवाएंगे, ना फिट रखेंगे ना कुछ, खाना बनवा लें सिंपल उससे, पर लड़की वही आएगी।
अच्छा चल ठीक है, पहले वो मिनी स्कर्ट पहन के आने वाली थी, शॉर्ट ड्रेस जो होटल वाली, होटल वाली, होटल वाली। इसलिए तुम बुला रहे हो क्योंकि वो मिनी स्कर्ट पहनती है ना। तुम या, वो उसकी ड्रेस है, तुम्हारी ना असलियत मुझे वो उसकी ड्रेस है, ड्रेस है ठीक है, मैं उससे साफ मना कर दूंगा, पैसे उसको मैं उतना ही दूंगा। अब तेरे को ये नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कि पैसे खर्च करने में प्रॉब्लम, ठीक है, पैसे तो वो उतना ही लेगी, ठीक है। क्या अब मैं बस ये चाहता हूँ सीधे सिंपल घर का खाना बनाने या साड़ी पहन के या। अब साड़ी वो मैंने देखा है उसको, उसके फोटो वगैरह देखे थे तो साड़ी भी ना वो डीप नेवल के नीचे ही पहनी। नंबर एक का कबीना, जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ए यार तुम ना अपनी ना आगे, तुम अपनी असली गोली लेके चढ़ गए हो मेरे लिए। इतनी जब तुम मोटे मोटे तुमने ऐसे पगला रहे हो लड़की के लिए, मेरे इतनी जोर से मार दिए यहाँ पे तुमने। अब तू ऐसा है मोटे मोटे कहेगी ना, मैं लेके ही आऊँ। अब तो मैं लेके भी नहीं आ पाया ना, मोटे हो तो फिर मोटे ही कहूंगी ना, पर क्यूट से मोटे हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पतला नहीं करना। नवीन नवीन मान जाओ ना, तो मेरी कसम में कोई लड़की नहीं आएगी इस घर में, मैं कल से खुद योगा करना शुरू कर दूंगी पक्का। अब आए ना लाइन पे, चल मैं तेरी बात मान रहा हूँ, ठीक है चल, कोई लड़की नहीं रहेगी बस घर में, चल तू भी, तू भी बांध कर चल। अरे पावर, मैं तुम्हारे लिए कल सुबह डाइट वाला खाना बना दूंगी, वो होते हैं ना स्प्राउट्स कहते हैं जिसे। नहीं कोई लड़की नहीं रहेगी इस घर में, चल तू भी बाहर निकल चल। और जो भी होंगे वो तुम्हारे लिए डाइट वाला खाना बना दूंगी, सब काम कर दूंगी प्लीज, पर लड़की नहीं है और मुझे घर से मत निकालो प्लीज। तूने ये भी सीरियसली लिया? मैं तो मजाक कर रहा था, चल दिल पे मत ले, मैं ऐसे छोटे मोटे प्रैंक करता रहता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है और बड़े बड़े ये मुझे घर से निकालने की तुमने बोलने की जरूरत कैसे करी? अबे घर से निकालने का प्रैंक कर दिया पागल औरत, जो हॉट एंड सेक्सी कुक लाने वाला प्रैंक है, ठीक है? ए यार तुम्हारे ये प्रैंक है ना, ये मेरा दिमाग खराब। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, क्योंकि मुझे ना बाहर पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ, बियर पार्टी, चिकन पार्टी है मेरी, मैं दोस्तों आपसे कर रहा हूँ बाय बाय, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स बाय।